हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। तो गैस, आज आप सभी के लिए कुछ ऐसी किचन टिप्स हैक से लेके आई हूँ जो कि आपने दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा और इतनी ज़्यादा यूजफुल है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं देर न करते हुए कि आज मैं कौन कौन सी टिप्स लेके आई हूँ। और जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बबीता नीरज ब्लॉग के नाम से, तो वहाँ भी मैं एक्टिव रहती हूँ। तो गाइस, सबसे पहली टिप्स है मेरी बालों को लेके। ये देखिए ना, एक किसी किसी के ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और किसी किसी के कम भी टूटते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, किसी के ज़्यादा किसी के कम, बट हाँ थोड़े बहुत टूटते सभी के हैं। पर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये कितना ज़्यादा महंगा आया। ये जो बाल है ना फ्रेंड, इतना ज़्यादा महंगा है कि बहुत ज़्यादा। अगर कोई गंजा हो जाए ना, लगवाने जाए ना, तो एक बाल ना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इनको ना अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। किस तरीके से इनको रखना चाहिए, किस तरीके से इनको फेंकना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, इनको इकट्ठा करके आप एक ना किसी पॉलोथीन में रख लीजिए। और ये बाल ना मतलब बिच भी जाते हैं गांव में, तो मतलब इनको लेने वाले आते हैं। और जब भी जैसे कि आप बालों को मतलब फेंक रहे हो, तो इनको ना थुक थुका के फेंकिए। उससे क्या होता है कि बाल ना हमारे बहुत ज़्यादा कम झड़ते हैं। ये ना मतलब कि बहुत पुराना है, जैसे दादी नानी करती थी जब भी बालों को, जैसे उनके बाल कंघी में से निकाल के उनको थुक थुका देती थी, तब जाकर उनको फेंक देती थी। तो ऐसे बताते हैं कि नज़र नहीं लगती, ज़्यादा बाल नहीं झड़ते हैं। तो एक बार ये टिप्स आप मेरी फॉलो कर सकते हैं। और इसकी मतलब ना, अगर इनको इकट्ठा करके रखोगे, जैसे किसी के ज़्यादा टूट रहे, तो ये मतलब ना बहुत ज़्यादा महंगा बेचता है बाल। अगर आप गांव वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पे लेके जा सकते हो इनको। तो इस तरीके से देखिए, मैं इकट्ठा करके इनको जब मतलब मैं कई बार फेंक भी देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं रखती हूँ, मैं तो वैसे रखती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत दिन में जाती हूँ कई बार। तो इनको ना थुक थुका के बालों को फेंक सकते हो। और आपका मन है आप इनको रख भी सकते हो, तो ये गांव में भी नहीं, शहर में भी बेच सकता। कहीं पर आप जुगाड़ लगाइए कि कहाँ बेचता है, तो वहाँ पे ये बेच जाएगा और बहुत अच्छा रहता है। ये वाला टिप्स आप मेरी फॉलो कर सकती हैं, राय कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी, देखिए ना, इस तरीके के बॉक्स जो हमारे घर में आते हैं, कई बार इनमें मतलब सामान आता है। तो ये ना जो सोन पपड़ी होती है ना, उसका है। तो इनको ना मतलब ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, इनको काम में ले लेना चाहिए। तो किस तरीके से आप इनको यूज में ले सकती हैं, तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल देखिएगा। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो तो फिर पता भी नहीं चलता। तो देखिए, इतनी मेहनत से, इतनी एक टिप्स बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है, सोचना पड़ता है उसके लिए। और इस तरीके से तो देखिए, सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद आप इनका पानी अच्छे से पूछ लीजिए। आप चाहे तो इनको सुखा भी सकते हो एक दो दिन के लिए। इसमें ना आप कोई भी अपना सामान रख सकती हैं, छोटे से, जैसे बच्चे ना उनकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी रख सकती हैं। और मैं तो इसको ना किसी दूसरे चीज़ में यूज लेने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से मैंने धो लिया है। और धोने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी कुछ देर के लिए, जितना जो पानी है ना वो निकल जाए। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं तो आप कपड़े से भी पूछ सकते हो। देखिए, मैंने सारा का सारा पानी हिला दिया है। देखिए मेरे पास ना ये छोटे छोटे घड़ी साबुन हैं, तो ये ना ऐसे ही रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका यूज में लिया जाए। तो ये जो मैंने जो बॉक्स धोए हुए मतलब अभी, तो इसमें ना मैं सारे के सारे भर के रख दूँगी। तो ये क्या है कि हमें पता भी रहेगा कि उस बॉक्स में रखे हैं, और इधर से इधर भी नहीं मतलब बिल्ट आएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और एक मुझे बर्तन धोने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मुझे अभी निकालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक सारे के सारे रख दिए हैं। तो इसको जो है मैं वो निकाल लूँगी एक। तो देखा ना गाइस, ये कितना अच्छा है। तो इसमें आप और भी कोई सामान रख सकते हो, या कहीं जा रहे हो तो इसमें आप सब्जी वगैरह खाना भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ये ख़राब नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो इसका आप यूज में ले सकती हैं, राय कमेंट बॉक्स में दे सकती हैं। तो देखा ना गाइस, कितना अच्छा तरीका है ये। तो देखिए, मैंने इसमें से ना एक निकाल लिया है। तो अभी चल रहे हैं हम अगली टिप्स की तरफ। देखिए, अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी राइस को लेके। देखिए ना, मैंने फ्रेंड ना घर पर चावल बनाए हुए, घर पे ही बनाते हैं वैसे तो, मुझे ना निकल गया।
देखिए फ्रेंड, मैंने ना चावल बनाए हुए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे चावल बनाते हैं कुकर में बनाते हैं या भिगोने में बनाते हैं, किसी में बनाते हैं, तो उनको क्या करते हैं तुरंत के तुरंत खोल लेते हैं। तुरंत नहीं खोलना चाहिए उसको ना, कम से कम बनने के बाद 4 या 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। और ऐसे छोड़ने के बाद ना चावल बहुत अच्छे से खड़े हो जाते हैं, और जब उनको हम निकालते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे चावल निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो। और जो मतलब थोड़ा बहुत कई बार ऐसे होता है कि पानी अगर कम ज़्यादा भी हो जाता है तो वो अच्छे से मतलब बराबर हो जाते हैं। तो एक बार ये वाली टिप्स आप मेरे फॉलो कीजिएगा। तो दीदी की मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे चावल बन के तैयार हुए, तो एक बार ये टिप्स आप मेरे फॉलो कीजिएगा। तो जब भी मैं चावल वगैरह बनाती हूँ तो इस तरीके से ही रख देती हूँ कुछ देर के लिए बनने के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो चलिए अभी चल रहे हैं हम अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी नींबू को लेके। देखिए कई बार हम जब नींबू कट करते हैं तो आधा बच जाता है, पूरा नहीं डाल पाते, और कई बार बड़ा भी होता है नींबू, तो अगर ऐसे ही रख देंगे तो ये सूख जाएगा, इसका जो जूस है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसमें से, और फिर वो मतलब ख़राब भी हो जाएगा। इतनी गर्मी हो रखी है ना, एक दिन में ही वो मतलब ऊपर से ना काला काला सा हो जाएगा, बहुत बेकार सा हो जाएगा, और बारिश का मौसम है तो और भी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें जिससे कि ये ख़राब ना हो, तो आपको देखिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जो भी मैं टिप्स लेके आती हूँ ना बहुत ही ईजी और सरल टिप्स लेके आती हूँ जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, और जो टिप्स मैं घर में फॉलो करती रहती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया, फॉइल पेपर में इसको अच्छे से लपेट के और इसको ना फ्रिज में रख दीजिए, तो ये जैसा का जैसा है ना बिल्कुल वैसा का वैसा निकलेगा। 2-4 दिन जब भी आपको चाहिए तो आप इसको यूज में ले सकती हैं, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, जूस भी इसका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ये टिप्स आप मेरी फॉलो करिएगा। तो देखिए अगली टिप्स है फ्रेंड मेरी पूड़ियों को लेके। देखिए यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ, और जब इस तरीके से पूड़ी बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए सारी की सारी पूड़ी मैंने बेल के रखनी है, और रखने के बाद अभी मुझे सेकना है तो फटाफट से मैं पूड़ी सेक लूँगी, और ये क्लिप ना ऐसे बन गई है, पता नहीं कब कम बन गई है ऐसे, पता नहीं फ़ोन ऐसे क्यों कर रहा आजकल मेरा, तो बनाती तो ऐसे हूँ और बन वो ऐसे जाती है। तो आप देखिए पूड़ी एकदम कितने अच्छे से फूल रही हैं, और मैंने इसका आटा तो आपके साथ शेयर किया हुआ कि किस तरीके से आप आटा लगा सकती हैं पूड़ी का, जो कि आपकी पूड़ी फूली फूली बने। ये देखिए इस तरीके से, और एक एक पूड़ी सेकते हैं ना फ्रेंड तो एकदम अच्छी अच्छी फूली फूली बनती है। और ये पूड़ी ना थोड़ी सी फूट गई है, और फिर भी देखिए ना काफ़ी ज़्यादा हद तक फूल गई है। तो देखा ना गाइस कितनी अच्छी अच्छी पूड़ी बनके तैयार हो गई है। तो ये टिप्स आप मेरी फॉलो कर सकती हैं जो घरेलू टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ, और उम्मीद करूंगी कि आज की टिप्स भी आपको पसंद आई होंगी। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छे से पूड़ी सीख जा रहा है, और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लग रहा, एकदम फूली फूली बन रही हैं। तो किस किस का पूड़ी खाने का मन है खा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से, तो सारी की सारी पूड़ी मेरी बन गई है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि सारी पूड़ी मेरी बहुत अच्छे से फूल रही हैं। आटा मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ, तो उस तरीके से आप आटा लगा सकती हैं। तो मेरे को तो यही वाली पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो ये पूड़ी आप ऐसे भी खा सकते हो, ना सब्जी भी नहीं होगी तब भी खा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी पूड़ी फूल फूल के बन गई है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो देखते रहिए बबीता न्यूज़ ब्लॉग।